सो गाइस वेलकम टू योर चैनल रैसल वर्ल्ड। तो गाइस अब WWE का रॉयल नंबर का सीन आ ही चुका है। TLC के बाद जो WWE का अगला इवेंट होने वाला है रॉयल नंबर होने वाला है। अगर रॉयल नंबर के अंदर हमें आजकल वोमेंस रॉयल नंबर मैच देखने को मिलता है। अगर काफी सारे ऐसे डिवाइस के नाम है जो कि इस रॉयल नंबर को जीत सकती है। सो गाइस यार आज के इस एपिसोड में ही 5 डिवाइस को देखने वाले जो कि शायद से जीत सकते हैं इस साल का रॉयल नंबर मैच। नंबर 5 पे नाम आता है यहाँ पे रोंडा राउजी का। तो गाइस रोंडा राउजी जो कि हमने उनको लास्ट टाइम रेसलमेनिया 35 में देखा था, उसके बाद से अभी तक उन्हें WWE के अंदर देखा ही नहीं है। अगर उनके पॉसिबिलिटीज भी काफ़ी ज़्यादा है कि वो अपना रिटर्न कर सकते हैं रॉयल नंबर के आसपास, और वो रॉयल नंबर को जीत भी सकती है और फिर फेस कर सकती है जो भी चैंपियन रहे, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्हें WWE के अंदर देखा गया तो उस समय वो चैंपियन ही थी, वो वुमेंस चैंपियन थी वो समय। अगर जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ है WWE में तो कैसे कभी वो अपना रिटर्न कर सकती है, और मे बी शायद वो रॉयल नंबर पर अपना रिटर्न करे, रिटर्न करके वो जीत भी जाए। नंबर 4 पे नाम आता है बैली का। तो गाइस वैली जो कि WWE का अंदर लॉन्गेस्ट वोमेंस चैंपियन रही है, अगर उन्होंने अपने चैंपियनशिप हाल में ही हारा है। अगर उन्हें देख के लग रहा है कि वो भी रॉयल नंबर जीत सकती है, क्योंकि अभी WWE के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगती है। अगर वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डिवाइस भी है, अगर उनके काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वो भी वोमेंस रॉयल नंबर मैच जीत सकती है, क्योंकि उन्होंने ये काम पहले कभी नहीं किया। नंबर 3 पे नाम आता है यहाँ पे बैकी लिंच का। तो कहीं बैकी लिंच का नाम तो बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि बैकी लिंच जो अभी प्रेग्नेंट चल रही है और कहीं जो WWE के अंदर अभी रिटर्न करने के मूड में तो नहीं है। लेकिन कहीं सुनने में आ रहा है कि दिसंबर तक उनका बेबी आने वाला है, उसके बाद शायद से वो अपना रिटर्न जनवरी 31 जनवरी को हो रहा है, वहाँ पर हो सकता है उनका रिटर्न। अगर ये काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ रहेगा अगर इतना जल्दी राउंड यहाँ पर बैकी लिंच रिटर्न करती है, तो लेंगेज बैकलिंच हमें रिटर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें WWE से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी है। अगर उन्हें रिटर्न करती है शायद हमें ऐसा भी देखने को मिल जा सकता है कि रॉयल नंबर जीत भी जाए। नंबर 2 पे नाम आता है शार्लोट फ्लेयर का। तो गाइस ये नाम भले ही आपको अजीब लग रहा हो, क्योंकि इन्होंने पिछले साल भी रॉयल नंबर मैच जीता था, वुमेंस रॉयल नंबर मैच। गाइस इनका नाम भी लेकिन हमेशा ऊपर रहता है, क्योंकि WWE उन्हें बहुत अच्छे से बुक करती है, और हमें ऐसा भी देखने को मिल जा सकता है कि लगातार 2 साल तक वही रॉयल नंबर मैच जीत जाए। ऐसा भी हो सकता है इस साल यानी कि 2021 के अंदर अगले साल। सो गाइस नंबर 1 पे नाम आता है प्रियंका बैला का। तो गाइस प्रियंका बैला जो करेंटली स्मैकडाउन के अंदर फाइट किया करती है, अगर जो काफ़ी तगड़ी भी लगती है, WWE उन्हें काफ़ी अच्छे से बुक भी करती है, अगर वो भी काफ़ी ज़्यादा डिजर्व करती है, फैंस भी चाहते हैं उन्हें रॉयल नंबर मैच जीतते हुए देखना। अगर हमें ऐसा देखने को मिल जा सकता है कि 2021 का जो वुमेंस रॉयल नंबर मैच हो वो प्रियंका बैला ही जीत जाए। सो गाइस कमेंट करके आप मुझे बताइए आप किस डिवाइस को देखना चाहते हैं वुमेंस रॉयल नंबर मैच जीतते हुए। तो गाइस और वीडियो पसंद आएगा छोटा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।